शहीर, आपने पहले तो मुझे नहीं बताया कि आप इस्लामाबाद जा रहे हैं। यूं एकदम प्लान बन गया आपका? मैं खुद कहाँ जाना चाहता हूँ। इट्स अ लास्ट मिनट इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग, ना गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वापस कब आएंगे? बस 2 दिन, जैसे ही काम खत्म होगा पहली फ्लाइट लेके वापस तुम्हारे पास, प्रॉमिस। 2 दिन? 2 दिन मैं आपके बगैर क्या करूंगी? फोन करता रहूंगा ना अपनी जान को। और फिर गाड़ी ड्राइवर तुम्हारे पास है ना, जहां दिल चाहे जाना हो चले जाना, शॉपिंग पे जाना है, अंकल की तरफ जाना है, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। आप जानते हैं आपके बगैर मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। ठीक है, फिर कैंसिल कर देता हूँ प्लान। बिजनेस तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? नहीं, काम भी देखिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप जाएं, 2 ही दिन की बात है। जानता हूँ तुम मेरा नुकसान होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें ऐसे उदास छोड़ के भी तो नहीं जा सकता ना। मेरी जिंदगी हो तुम, तुम्हारी उदासी मुझे चैन कैसे लेने देगी वहां पे? चिकनी चुपड़ी बातें करना वैसे कोई आपसे सीखे। अच्छा नहीं हूं मैं उदास, आप जाइए और बस खैरियत से जल्दी वापस आए। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, लेकिन मुझे पता है तुम वहां बहुत बोर होगी। हाँ वैसे किसी को जानती भी नहीं, वहां होंगी तो बोर ही। नहीं, आप जाए और बस जल्दी से अपना काम करके वापस आए। पैकिंग में मेरी हेल्प कर, तो आधे घंटे में मुझे निकलना। मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूं? या श्योर, व्हाई नॉट, लेकिन बाय कहते हुए रोना नहीं, ओके? अच्छा नहीं रोते, प्रॉमिस। प्रॉमिस, लेट्स गो। नंबर ही नहीं लग रहा है, हद हो गई। कहीं दोनों भाग तो नहीं गए? जब भी नंबर बंद आ रहा है मैं पता करती हूं जाके। मेरा बच्चा, क्या हुआ ये दानियाल? दानियाल मेरा बच्चा, किसने कर दिया मेरे बच्चे का? अरे भाई जल्दी आए, मेरा बच्चा मौसम के। क्या हुआ इसको? आगे बोलो, प्लीज डॉक्टर को फोन करें। आपको खुदा को आप परेशानी मत करो। अरे आप परेशानी मत करो, आगे बोलो। हेलो, जल्दी क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे खैरियत को छोड़े, मेरे पड़ोसी जो है ना, इनका बच्चा एक्सीडेंट हो गया। हां जी, आ गए, आ रहे हैं डॉक्टर, आ रहे, उठाओ बच्चे को। दानियाल, आराम से।